संतों ने प्रश्न किया कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाम से वाल्मीकि रामायण ग्रंथ लिखा। काग भुसुंड जी ने अपने नाम से भुसुंडी रामायण, कृतवार्ष जी ने कृतवार्ष रामायण, मार्कंडे जी ने मार्कंडे रामायण, याज्ञवल्क जी ने याज्ञवल्क रामायण, भरद्वाज जी ने भरद्वाज रामायण, लेकिन आपने इस रामायण का नाम श्री रामचरितमानस किया, इसका तात्पर्य क्या है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा घोर कलिकाल में कलयुग का प्राणी प्रभु राम से मिलने के लिए बेचैन रहेगा। तमाम प्रकार के यज्ञ होंगे, तमाम प्रकार के अनुष्ठान होंगे, इसके बाद भी उसे श्री राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे तीर्थों में वो जाएगा, बहुत सारी पुनीत नदियों में वो स्नान करेगा, इसके बाद भी उसे श्री राम का दर्शन नहीं होगा। लेकिन श्री राम का दर्शन कैसे हो, इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में कैसे श्री राम का दर्शन हो, इसके लिए कलयुग के भक्तों के लिए एक उपाय दिया, एक बड़ा सुंदर समाधान दिया, और ये रामचरितमानस ग्रंथ ही समाधान बन के आ रहा है। कैसे? कहा मानव सबसे नीचे है और श्री राम सबसे ऊंचाई पर है। जिस मंजिल पर श्री राम खड़े हुए हैं, मानव उस मंजिल पर पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों भाई? कोई मंजिल पर खड़ा हो जाए और आप उस मंजिल पर खड़े हुए व्यक्ति से मिलना चाहें, लेकिन आप नीचे खड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आधार की जरूरत है। वो आधार होता क्या है? आधार होती है सीढ़ी। मंजिल पर यदि पहुंचना है तो आधार क्या है? सीढ़ी। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा विचारवान श्रोताओं विचार करना, इस ग्रंथ का नाम है श्री राम, राम पहले हैं, इसके बाद चरित, चरित के नीचे मानव, मानस सबसे नीचे है ना, तो मानस नाम हृदय का पर्याय है। आप सब जितने भी बैठे हो सब मानस हो, मानस नाम हृदय का पर्याय। यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? क्या उपाय है? उपाय इस कलिकाल में एक ही है। आप तीर्थों में जाएं, वहां भी आपको निराशा प्रतीत होगी, कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा। अरे गंगा जी में स्नान करने आप जाते हैं तो पता नहीं मूर्खों ने कितने प्रकार की गंदगी गंगा जी में छोड़ रखी है, तमाम प्रकार के नाले छोड़ रखे हैं, यहां तक लोग कूड़ा कचरा भी गंगा जी में डालते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है लोगों को कि ये पुनीत गंगा हमको मोक्ष देने वाली है, हम सभी को मोक्ष देने वाली है, लेकिन लोगों ने पता नहीं कितने प्रकार के कचरे गंगा जी में डाल दिए। आप स्नान करेंगे लेकिन निश्चित रूप से वहां के रहने वाले लोगों को धिक्कारेंगे भी कि देखो कितनी गंदगी कर रखी। इसका मतलब है कि आपको तीर्थ में भी निराशा प्रतीत होगी। लेकिन आपकी निराशा आशा में कैसे बदलेगी, इस पर विचार करना है। आपकी निराशा आशा में यदि बदल सकती है तो केवल श्री रामचरितमानस ग्रंथ के द्वारा, और कोई उपाय नहीं।
तुलसीदास जी ने कहा कि मानस नीचे है और राम ऊपर है, लेकिन बीच में है चरित्र। चरित्र मानी लीला, चरित्र मानी क्या है? लीला। लेकिन प्यारे, जिसका चरित्र अच्छा होता है उसी की लीला अच्छी होती है। बिना चरित्र के लीला हो ही नहीं सकती है, चरित्र से ही चरित्र का उत्कर्ष है। आज रासलीला और रामलीला ही क्यों होती है और लीलाएं क्यों नहीं होती? अभी भी प्रवचन के बाद रासलीला होगी। क्यों भाई? रासलीला होगी ना। रासलीला और रामलीला ही क्यों होती है? क्योंकि स्त्री राम का चरित्र और स्त्री कृष्ण का चरित्र चरित्र बन गया है। करोड़ों लोग दर्शन करके आनंदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। इसलिए राम और कृष्ण इन दोनों का ही चरित्र और दोनों का ही चरित्र श्रेष्ठ है। तो भाई श्री राम और मानस के मध्य में है चरित्र। रामचरितमानस में सात कांड हैं, ये सात सोपान, सात कांड, ये सात सीढ़ियां हैं। क्या है? सीढ़ियां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया कि आज का मानव यदि श्री राम से मिलना चाहता है तो ऊपर राम है, नीचे मानस है, मध्य में चरित्र है। आज का मानव यदि श्री राम से मिलना चाहता है तो उसे चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा और रामचरितमानस को पढ़ के ही वह राम को प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। रामचरितमानस को पढ़ के निरक्षर लोगों ने सुन सुन करके रामचरितमानस को याद कर लिया है। जो कभी पाठशाला में नहीं गए लेकिन सुन सुन करके उन्होंने रामचरित को याद कर लिया है। ग्रामों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें पूरी रामायण याद है। और मैं सत्य कहता हूं, श्री रामचरितमानस को पढ़ के उन्होंने श्री राम का दर्शन कर लिया। तुलसीदास जी तो अपने अनुभव की बात कहते हैं कि जब मैंने सद्गुरुदेव भगवान से राम कथा सुनी तो उस समय मैं शिशु अवस्था में था, मुझे राम कथा के बारे में कहीं कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन श्री राम कथा को केवल मैंने सुना है, मैं समझता नहीं था कि राम क्या है, राम की कथा क्या है। लेकिन बचपन में मैंने अपने गुरुदेव के मुख से राम कथा को सुना तो राम कथा को सुनते 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 तुलसीदास जी कहते हैं मुझे राम जी का दर्शन हो गया। ये राम कथा की महिमा है। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा सुना। लेकिन जिस समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो भगवान शंकर ने प्रेरणा दी कि आप रामचरितमानस की रचना तो कर रहे हैं लेकिन मंगलाचरण क्या होगा इसका? मंगलाचरण क्या होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से वर्णा नामर्थ संघाणाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भगवान शंकर ने कहा लेकिन मंगलाचरण तो देववाणी में होगा, लेकिन मंगलाचरण के बाद फिर मेरी वाणी का प्रयोग करना। तो तुलसीदास जी ने कहा देववाणी ही तो आपकी वाणी है, कोई पृथक वाणी है? कहा भाई देववाणी तो देवताओं की वाणी है लेकिन रामचरितमानस का मंगलाचरण होगा, इसके बाद पहली चौपाई होगी वो मेरी वाणी में होगी। और भगवान शंकर ने प्रेरणा दी कि लिखो बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा
और जैसे ही तुलसीदास जी ने पहली चौपाई लिखी तो काशी के विद्वानों ने विरोध कर दिया। काशी के विद्वानों ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, काशी तो मुक्त जन्म में ही ज्ञान ज्ञान खान अगहान कर, ये ज्ञानियों की नगरी है, यहां देववाणी के अलावा अन्य किसी वाणी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए रामचरितमानस लिखना बंद करो। हम लोग वाल्मीकि रामायण को ही मानेंगे, रामचरितमानस बंद करो लिखना। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं अपने विवेक से नहीं लिख रहा हूं, यदि मैं अपने विवेक का प्रयोग करता तो शायद आप लोग विरोध करते, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई विवेक है ही नहीं। सपने उस सांचे उ मोहे पर जो हर गौर पसा। भगवान शिव और भगवती पार्वती जी की प्रेरणा से मैं लिख रहा हूं इस ग्रंथ को, इसलिए इसमें मेरी कोई अपनी भाषा नहीं है। काशी के विद्वानों ने कहा कि अगर ऐसा ही सत्य है कि भगवान शिव और पार्वती जी ये दोनों ही श्री रामचरितमानस के लिखने में अपना योगदान एवं अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे प्रमाण चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा सबसे बड़ा प्रमाण है काशी विश्वनाथ भगवान, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। रामचरितमानस को लेकर के तुलसीदास जी महाराज काशी के विद्वानों के साथ जिस समय भगवान विश्वनाथ जी के पास पहुंचे और उन्होंने उस ग्रंथ को विश्वनाथ जी के हाथों में सौंप दिया और कहा यदि ये सत्य है कि आपकी कृपा से और प्रेरणा से मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं, तो आज काशी के विद्वानों को आप संतुष्ट कर। काशी के विद्वानों ने विश्वनाथ जी का आवाहन किया, विश्वनाथ जी प्रकट हो गए। काशी के विद्वानों ने कहा इस ग्रंथ के द्वारा काशी की मर्यादा नष्ट हो रही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि काशी की मर्यादा सुरक्षित की जाए। भोले बाबा ने कहा पहले ये बताओ कि काशी की मर्यादा रामचरितमानस से क्यों नष्ट हो रही है, पहले इसकी पुष्टि करो। काशी के विद्वानों ने कहा कि काशी ज्ञान खान अगहान कर ज्ञानियों की नगरी है, और ज्ञानियों की नगरी में देववाणी का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की रचना हो, चाहे रामायण की रचना हो, लेकिन देववाणी का प्रयोग होना चाहिए। मंगलाचरण तो देववाणी में है, लेकिन इसके बाद जब विस्तार हो रहा है तो फिर हिंदी में हो रहा, इसका मतलब है कि देववाणी का अपमान। भगवान शंकर ने कहा कि मंगलाचरण देववाणी में हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी देववाणी के भी मर्मज्ञ हैं। तो मैं सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि देववाणी पर तुलसीदास जी का अधिकार ना होता तो मंगलाचरण कैसे करते। जब मंगलाचरण ही देववाणी में किया जा रहा है तो इससे सिद्ध है कि तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े वैयाकरण हैं, साधारण नहीं है, इनको सामान्य मत समझना। लेकिन रामचरितमानस का जो विस्तार हिंदी में किया जा रहा है, भगवान शंकर ने कहा वो मेरी आज्ञा से किया जा रहा है, मेरी आज्ञा से किया जा रहा है। काशी के विद्वानों, जितनी भी रामायण हैं अथवा जितने भी ग्रंथ हैं उनमें देववाणी का प्रयोग है, लेकिन रामचरितमानस में महादेव वाणी का प्रयोग है, ये साक्षात महादेव की वाणी है। एक एक चौपाई को महामंत्र के रूप में समझना, ये चौपाइयां नहीं है, ये मंत्र भी नहीं है, महामंत्र है। और ऐसे ऐसे मंत्र हैं, मंत्र महामन
विषय प्यार मंत्र महादेव की वाणी है। भगवान शंकर ने कहा रामचरितमानस का महत्व मैं बता रहा हूं। मुक्ति के तीन साधन हैं इस जगत में, चौथा कोई साधन नहीं, केवल तीन। कौन कौन है? कहा वो तीनों मेरे पास है। पहले तो गंगा जी। क्यों भाई? गंगा में कोई स्नान करे तो मुक्ति मिल जावे। अरे गंगा में स्नान करने की बात छोड़ो, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, स्नान की बात छोड़ो। लेकिन मुक्ति देने वाली गंगा मेरी जटाओं में, तो मुक्ति का साधन भी मेरे पास है। दूसरा मुक्ति का साधन मानसरोवर है। मानसरोवर में जो स्नान करता है उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन मानसरोवर भी मेरे चरणों में प्रवाहित हो रहा है। मुक्ति देने वाला मानसरोवर भगवान शंकर के चरणों में प्रवाहित हो रहा है कि नहीं? तिब्बत के भूखंड में स्थित है मानसरोवर। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, चरण उनका नीचे है, नीचे मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है, यही दर्शन है। मुक्ति देने वाला मानसरोवर मेरे शरण में, मुक्ति देने वाली गंगा मेरे सिर पर, लेकिन मुक्ति देने वाला रामचरित मानस रूपी मानसरोवर मेरे हृदय में स्थापित है। इसलिए तीनों मेरे पास। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रीति में किससे करता हूं? देखो हृदय में उसी को स्थान दिया जाता है जिससे विशेष प्रेम होता है। हृदय में उसी को स्थान मिलता है। और रामचरितमानस को कहां स्थान दिया भगवान शिव ने? रचि महे निज विशेष प्रेम, गंगा जी से भी ज्यादा प्रेम, मानसरोवर से भी ज्यादा प्रेम रामचरितमानस से है, तभी तो हृदय में दिया। आज आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा, जब कलश यात्रा निकल रही थी तो रामचरितमानस सिर पर था, क्योंकि हृदय में धारण करने की क्षमता सबकी नहीं है, नहीं?
अच्छा वो सबका सिर खाली भी रहता है क्योंकि गंगा जी थोड़ी बैठी सबके सिर पर। गंगा जी बैठी हो तो बात अलग है, सिर बिल्कुल स्वतंत्र है, खाली है। इसलिए रामचरितमानस को शिरोधार्य किया गया, ये भी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन भगवान शिव रामचरितमानस को सिर पर धारण नहीं करते, रामचरितमानस को चरणों में भी नहीं, हृदय के अंदर। गंगा जी मुक्ति देने वाली हैं, लेकिन सिर के ऊपर हैं प्यारे, सिर के ऊपर। सामान्य रूप से किसी को स्थान नहीं दिया जाता, सिर के ऊपर कोई भार रखना नहीं चाहता है। सिर के ऊपर तो केवल भगवान की कृपा रहे बस। क्यों भाई? यही अनुभव होता है कि सिर के ऊपर भगवान की कृपा रहे। कृपा को सरोधार किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? और मुझे लगता है ऐसा ही भाव ग्रंथ के प्रति है कि ग्रंथ को भगवान के रूप में ही माना जाता है, इसलिए भगवान की कृपा को हम सरोधार करते हैं, ग्रंथ के रूप में करते हैं, इसलिए ग्रंथ को हम सिर पर स्थान देते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, गंगा भले ही मेरे सिर पर रहे, ये मजबूरी है। देखो गंगा जी को सिर पर धारण किया तो भगवान शिव की मजबूरी। मजबूरी क्या है? अच्छा, किसी पुरुष के ऊपर कोई नारी बैठ जाए, सिर के ऊपर बैठ जाए। क्यों भाई? किसी पुरुष के सिर के ऊपर कोई नारी बैठ जाए तो सहज में कोई बिठा लेगा जल्दी, बोलो सिर के ऊपर। लेकिन कोई मजबूरी होगी तो कहेगा अब नहीं मानती हो तो बैठ जाओ, क्या करें, मजबूरी है भाई, है ना। लेकिन सहज भाव से कोई सिर पर बिठाना नहीं चाहिए। गंगा जी को भी शिरोधारी करने में एक मजबूरी है भगवान शिव। गंगा जी में इतना प्रबल वेग हुआ, इतना प्रबल वेग कि लगता था कि पूरा संसार बह जाएगा। अभी 3-4 वर्ष पहले केदारखंड में गंगा जी की एक धारा इतना वेग के साथ निकली, इतना वेग के साथ निकली कि पूरा केदारखंड में महाप्रलय हो गया, एक भूभाग ही बह गया, महाप्रलय हो गया था। लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा है। अभी तक तो मार्कंडे ऋषि देखते थे महाप्रलय में, भगवान का दर्शन करते थे। उस दृश्य को कौन देखते थे महाप्रलय में? केवल मार्कंडे ऋषि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि, केवल मार्कंडे ऋषि उस दृश्य का दर्शन करते थे कि महाप्रलय होता कैसा है। लेकिन पूरे संसार ने केदारखंड में महाप्रलय का दर्शन किया कि नहीं किया? टेलीविजन के माध्यम से किया, समाचारों के माध्यम से किया। आज ये कथा भी ददरुआ धाम से प्रसारित हो रही है आस्था भजन चैनल के माध्यम से, और आस्था भजन चैनल के माध्यम से ये कथा प्रसारित हो रही है। इसमें श्रेय जाता है श्री नारायण सेवा संस्थान। नारायण सेवा संस्थान ने विश्व कल्याणार्थ कदम उठाया, दिव्यांगों की सेवा का संकल्प लिया, और आज लाखों दिव्यांग आज पूर्ण स्वस्थ होकर अपनी चरिया परिचर्या में संलग्न है। जहां उनका पूरा शरीर ही प्रभावित था, लेकिन आज वो सर्वांग सुंदर होकर के अपनी चरियाओं को अपने हाथों से संपन्न कर रहे हैं और समाज सेवा में भी अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। इसलिए नारायण सेवा संस्थान साधुवाद का पात्र, आशीर्वाद का पात्र। दंदरुआ धाम से आज आस्था भजन चैनल के माध्यम से ये प्रसारण हो रहा है रामकथा का, और आप सभी भक्त जो है श्रवण कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 1 तारीख तक चलेगा, 1 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज तो प्रथम दिवस है इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन 2 बजे तक का नियम रहेगा, 10 बजे से लेके 2 बजे तक। 10 बजे
सोनू बाबा एवं पवन शास्त्री के भजन प्रारंभ हो जाएंगे, सभी संगीतकार उनके सहयोगी रहेंगे। इसके बाद ठीक शायद 12 बजे से क्या बजे से कथा रखी गई, क्यों भाई? 12 बजे से 10 बजे से 2 बजे तक भजनों का, 12 बजे 10 से 12 के बजे तक रहेगा। हाँ ठीक है, 10 से 11 बजे तक भजन होंगे और 11 बजे से 2 बजे तक श्री राम कथा होगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। तो एक घंटे 10 बजे से 11 बजे तक, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक भाव भरे भजनों का आनंद आप लेंगे और ठीक 11 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक श्री राम कथा होगी इसी मंच से, और बिल्कुल समय से ही भजन प्रारंभ होंगे, समय से राम कथा प्रारंभ होगी। भरपूर एक घंटे भजन सुनने को मिलेंगे और 3 घंटे दिव्य राम कथा श्रवण करने को मिलेंगे। आए महिमा सुना रहा हूं रामचरितमानस की। गंगा जी में प्रबल वेग आया, सारी दुनिया भोले बाबा से प्रार्थना कर रही, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा ने कहा क्या हो गया? कहे गंगा जी का इतना वेग कि सारी दुनिया बह जाएगी। भोले बाबा ने गंगा जी को समझाया कि थोड़ा वेग कम करो, वेग कम करो, लेकिन गंगा जी मानने को तैयार नहीं। जब गंगा जी मानने को तैयार नहीं तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी को समेट लिया कि आओ हमारे सिर पर रहो। तो सोचो जरा, विश्वनाथ है ना, विश्व के नाथ है। अगर विश्व पर संकट आएगा तो बोलो विश्वनाथ बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? गंगा जी को समझाया लेकिन गंगा जी नहीं समझी, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लिया और सिर पर रख लिया। एक भाव तो ये है, दूसरा भाव एक और है कि गंगा भगवान के श्री चरण से निकली है, पद नख से, नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुर शरीर। ये दूसरा भाव, एक तो विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने गंगा जी को जटाओं में धारण किया और अपने सिर पर रखा। दूसरा भाव ये है कि भगवान श्री राम जी के चरणों से, नारायण के श्री पद नख से, नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुर शरीर, गंगा जी भगवान के पद नख से निकली हैं, भगवान के श्री चरणों के अनुरागी हैं भगवान शिव। जो भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाता है, याद रखना ये शिवजी का संकल्प है कि जो भगवान राम के पद चरणों से जुड़ जाता है, पद नख से जुड़ जाता है, श्री चरणों से जुड़ जाता है, उसे मैं श्रोधारी कर लेता हूं। इसलिए गंगा को मैंने श्रोधारी किया। राम भक्त बनोगे तो शिव सदा तुम्हें प्रेम देंगे और शिव सदा स्वीकार करेंगे, हृदय से स्वीकार करेंगे। मैं तो कहता हूं कि आज राम भक्त बनने की जरूरत है। शिव जी की कृपा चाहिए तो राम भक्त बनो और श्री राम जी की कृपा चाहिए तो शिव भक्त बनो। शिव में और राम में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। तो आज भगवान शिव ने गंगा जी को सिर पर रख लिया। चलिए एक परिस्थिति है, लेकिन मान सरोवर को चरणों में स्थान दिया। मान सरोवर शरणापन्न है, लेकिन चरण में, शिव जी के चरण में यदि मान सरोवर को स्थान मिल गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मान सरोवर हृदय में स्थान ले चुका है ना। शिव जी के चरण में तो स्थान ले चुका है लेकिन हृदय में स्थान नहीं ले पाया। गंगा जी सिर पर स्थान ले चुकी है लेकिन हृदय में स्थान नहीं ले पाई। जो चरणों में स्थान ले लेते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो स्वामी के हृदय में भी स्थान ले लें। जो सिर पर स्थान ले लेते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो हृदय में भी स्थान ले लें। लेकिन भगवान शिव ने रामचरितमानस को हृदय के अंदर स्थान दिया और दुनिया वालों को बताया कि मुक्ति देने वाली गंगा भी है, मुक्ति देने वाला मान सरोवर भी है और मुक्ति देने वाला रामचरितमानस भी है। लेकिन रामचरितमानस में और गंगा में और मान सरोवर में अंतर क्या है? अंतर यह है
कि गंगा जी मुक्ति तो देनी, लेकिन मुक्ति लेने वाला जब गंगा जी के पास पहुंचेगा तब, मुक्ति लेने वाला जब गंगा जी के पास पहुंचेगा तब। बोलो भाई, जैसे दंदरुआ क्षेत्र के लोग अगर मुक्ति लेने के लिए गंगा जी तक पहुंचेंगे तभी ना स्नान कर पाएंगे, तभी दर्शन कर पाएंगे, तो उनको गंगा जी का क्षेत्र जहां होगा वहां जाना पड़ेगा। हरिद्वार आप जाएंगे या तीर्थराज प्रयाग जाएंगे, क्यों भाई? तभी गंगा जी का दर्शन होगा, अथवा समीपस्थ क्षेत्र में जहां से भी निकली होंगी वहां। दूसरी बात है, मानसरोवर के माध्यम से यदि मुक्ति लेना है तो तिब्बत के भूखंड में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको मानसरोवर मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, चिंता मत करो, न तुम्हें गंगा जी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी मुक्ति लेने के लिए, न तुम्हें मानसरोवर तिब्बत के भूखंड में मानसरोवर में स्नान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। हम एक ऐसा मानसरोवर भेज रहे हैं जो रामचरित मानस रूपी मानसरोवर है, जो दंदरुआ धाम से लेकर के घर घर तक प्रवाहित रहेगा। आप घर बैठे उसमें स्नान करके अपना कल्याण कर सकते हो। और हृदय से मेरा समर्थन है, रामचरित मानस के प्रति समर्थन हृदय से है। क्यों? हृदय में स्थान दिया तो हृदय से समर्थन हो गया कि नहीं हो गया? अब आप विचार करना, रामचरित मानस एक ग्रंथ है कि सरोवर है? ये ग्रंथ है कि सरोवर? पहला प्रमाण तो मेरा ये है चैलेंज के साथ कि रामचरित मानस एक पुस्तक के रूप में दिखाई दे रहा है कि पुस्तक है, लेकिन मैं कहता हूं ये तुम्हारी नजरों का नजरिया होगा, ये तुम्हारी आंखों का दृष्टिकोण होगा, तुम्हारी दृष्टि का दृष्टिकोण होगा, लेकिन संतों की दृष्टि का दृष्टिकोण, भगवान शिव की दृष्टि का दृष्टिकोण यह है कि रामचरितमानस देखने में पुस्तक के रूप में प्रतीत होगा, लेकिन रामचरितमानस पुस्तक नहीं बल्कि विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। ये विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक है। दूसरी बात, ये रामचरितमानस कृति के रूप में दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा कृति के रूप में, लेकिन ये कृति ही साक्षात भगवान राम की आकृति होगी, लेकिन कृति के रूप में प्रतिष्ठापित होगी। रामचरितमानस मानसरोवर है पुनः, लेकिन इस मानसरोवर में जो रामचरितमानस के रूप में मानसरोवर है, इस मानसरोवर में और तिब्बत वाले मानसरोवर में कितना अंतर है? दोनों में अंतर है? हाँ अंतर है। तिब्बत वाले मानसरोवर में केवल एक रस जल है, मात्र एक रस जल है। वहां जाके आप देखें तो एक रस का दर्शन होगा जो जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन रामचरितमानस रूपी मानसरोवर जो दंदरुआ धाम में राम कथा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, इसमें नौ प्रकार का रस है। नौ प्रकार का रस। अब बोलो, एक रस ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नौ रस ज्यादा महत्वपूर्ण है? नौ रस। एक ही जगह एक ही सरोवर में नौ रस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है कि एक जगह एक ही रस मिले? वो ज्यादा अच्छा है। परेशान क्यों होते हो? तिब्बत वाले मानसरोवर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके पास धन होता है, वही लोग पहुंच पाते हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन जरा भी स्वास्थ्य में परेशानी हुई तो तिब्बत जाना बहुत मुश्किल की बात है कि नहीं? बोलो भाई, धन का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव ये मजबूर कर देता है कि आप तिब्बत के मानसरोवर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, ना उसमें स्नान कर पाएंगे। लेकिन आप धनहीन हो, आप स्वास्थ्यहीन हो, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन रामचरितमानस रूपी मानसरोवर की स्थापना
ये सप्त दिवसीय ये दिव्य कार्यक्रम या अष्ट दिवसीय है ना, ये कार्यक्रम जो राम कथा का है, इस दंदरुआ धाम में राम कथा रूपी मानसरोवर स्थापित हो चुका है। इसमें आप सभी अबाल वृद्ध नरनारी अधिक से अधिक संख्या में आकर नौ रसों में अवगाहन कर अपने जीवन का कल्याण करें। नौ रसों में अवगाहन, किसी संत ने बहुत अच्छा भाव दिया, क्या के यहां नौ रस हैं, कहां दंदरुआ की राम कथा रूपी मानसरोवर में यहां नौ रस हैं। अरे रस एक वहां यह पानी है संत की पानी नहीं, यह पानी है संत की पानी नहीं, तन का मल धोया करो जो कहीं, मन का मल तो धुलता है यही, मन का मल तो धुलता है यही, इस राम चरित्र के मानस से मानस की तुलना है नहीं। इस मानसरोवर में जो राम कथा रूपी मानसरोवर है और उस मानसरोवर में जो तिब्बत में जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, अंतर क्या है? इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की है नहीं, क्यों? इसलिए कि वहां डूबता जो मर जाता वहीं, वो यहां डूबता जो तर जाता यहीं, यहां डूबता जो तर जाता यहीं। प्यारे रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं वो मरते नहीं हैं, तरते हैं, वो तरते हैं। इसलिए तरना है तो मानस रूपी मानसरोवर में डुबकियां लगाओ। एक और अद्भुत बात बता करके वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि समय पूर्णता की ओर है, इसलिए एक पांच मिनट की अंतिम बात और, वो भी रामचरितमानस महात्म की बात। प्रत्येक प्राणी इस जगत में आनंद ले रहा है। अच्छा, आनंद किसमें ले रहा है? वैसे तो आनंद के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा का विग्रह और उनकी कथा, ये दो ही हैं। लेकिन आज का प्राणी तो गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है, क्योंकि उसका मन एक हाथी के रूप में है। तुलसीदास जी के मत से भी और कबीरदास जी के मत से भी कि आज के संसार के प्राणियों का मन एक हाथी के रूप में है। तुलसी के मत से करी मानी हाथी और कबीरदास जी के मत से मतंग रूपी हाथी, बात एक ही है। मतंग रूपी हाथी, मतंग हाथी को मतंग भी कहते हैं, हाथी को करी भी कहते हैं। जैसे गणनायक करी वरी वदन, तो गणनायक करी वरी वदन तुलसीदास जी के मत से करी मानी क्या हुआ? हाथी। कबीरदास जी के मत से मन मतंग माने। आस्था भजन संतों के संग। श्री नाथ जी तुम्हें आओ रे, श्री नाथ जी आओ, श्री
भागने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन क्या बतावे आपको बड़ी विचित्र बात, वो हाथी जिस दिशा में जाता है उस दिशा में उसे आग ही आग दिखाई देती है। किसी भी दिशा में जावे आग ही आग दिखाई देती है। अब हाथी बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। भगवान कहते अभी तक तो तुम कहते थे जंगल में आनंद मिल रहा है, लेकिन अब जंगल से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? इसलिए भाग रहा हूं प्रभु क्योंकि जो जंगल मुझे आनंद देता था आज उसी जंगल में पूरी आग लग चुकी है और आग के कारण मेरा शरीर झुलसा जाता है। यदि आप कृपा कर दो तो मैं बच जाऊं, वरना आज बचने वाला नहीं। भगवान बोले कैसे बचोगे? हाथी ने कहा कि अगर इसी जंगल के मध्य में जल से भरा कोई सरोवर प्रकट हो जाए, इसी जंगल के मध्य में जल से भरा कोई सरोवर प्रकट हो जाए तो मैं बच जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारी सुन रहा हूं, कृपा भी कर रहा हूं। भगवान ने ठाकुर जी ने उसी जंगल के मध्य एक जल से लबालब जल से भरा हुआ सरोवर प्रकट कर दिया और जैसे ही सरोवर प्रकट हुआ, जल से भरा सरोवर प्रकट हुआ, उसी समय वो हाथी उस सरोवर में कूद गया। चारों तरफ आग लगी थी, लेकिन बोलो उसी जंगल के मध्य में भगवान ने जो सरोवर प्रकट कर दिया जल से भरा हुआ, बोलो उस जल के सरोवर ने, उस जल सरोवर से हाथी बच गया कि नहीं बच गया? बोलो किसने बचाया हाथी को? हाथी को ना तो पहाड़ों ने बचाया, जंगल के पहाड़ों ने, जिन पहाड़ों से वो प्रेम करता था वो पहाड़ भी नहीं बचा पा रहे थे हाथी को। जिन वृक्षों से वो प्यार करता था हाथी, वो प्यार भी नहीं बचा पा रहे थे हाथी को। लेकिन हाथी को बचाया है तो भगवान की कृपा ने, जो भगवान की कृपा ने जंगल के मध्य में जल से भरा हुआ सरोवर प्रकट कर दिया है, उसी सरोवर के माध्यम से हाथी बच पाया। बच पाया कि नहीं? सावधान, जैसे जंगल में आग लगी सरोवर ने उस हाथी को बचा लिया, ऐसे हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद, तो गृहस्थी में जंगल कहां है? जंगल में तो पहाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में वृक्ष पहाड़ कहां है? अरे तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण पढ़ो, पहाड़ भी हैं और वृक्ष भी हैं बड़े बड़े। गृह कारज ना जंजाल, गृह कारज जंगल में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, गृहस्थी रूपी जंगल में भी समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं कहता हूं जंगल के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने फोड़ने के लिए तमाम प्रकार की जेसीबी मशीन फोकलैन पता नहीं क्या क्या तैयार कर दिए लोगों ने, बड़े बड़े पहाड़ ढहा दिए। लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में जो समस्याओं के पहाड़ बन चुके हैं, उन पहाड़ों को नष्ट करने के लिए कोई यंत्र बन के तैयार नहीं हुआ है। यदि उन पहाड़ों को नष्ट करना है, समस्याओं के पहाड़ों को नष्ट करना है, तो रामचरित कोई यंत्र नहीं बना है, बल्कि रामचरित मानस रूपी ग्रंथ बना हुआ है। इस ग्रंथ के माध्यम से समस्याओं के पहाड़ों को ध्वस्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। सावधान, समस्याओं के पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन उसी गृहस्थी रूपी जंगल में यदि वासना की आग लग जाए, बोलो भाई
वासना की आग लग जाए तो ये हमारा मन रूपी हाथी कैसे बचेगा। जैसे जंगल में रहने वाला हाथी सरोवर का आधार आश्रय पाकर के बच गया, वैसे ही यदि गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाएगी तो उस समय रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में स्नान कर लेना तो हमारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अस्तित्ववान बन जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये रामचरित मानस क्या है? सरोवर है। क्योंकि मन करी विषय करी मानी हाथी, ये मन रूपी हाथी, मन करी विषय अनल बन जरई, और होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई। इस मानस रूपी मान सरोवर में अगर आपने अपने मन रूपी हाथी को स्नान करा दिया तो आपका अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे श्री रामचरितमानस की दिव्य महिमा, ऐसी अद्भुत महिमा जिसको आप श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस के महात्म के रूप में, तो आज की कथा महात्म की कथा थी। प्रथम दिवस था ये राम कथा का प्रथम सत्र जिसमें आप बैठकर राम कथा श्रवण किए। कल ठीक निर्धारित समय से रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होगी। पहले 10 से 11 भजन होंगे, 11 से 2 बजे तक श्री राम कथा होगी। आप अपने साथियों के सहित अवाल वृद्ध नर नारी सभी आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आकर श्री राम कथा का आनंद लें। तो चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण थी, पहली ही चौपाई रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चंद्रहुआ सरकार की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, जय जय।